टेलीविजन की दुनिया की ना एक और खासियत है, यहाँ हर त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि अपनी कन्वीनियंस पे मनाया जाता है। आई मीन त्योहार आके चला गया हो या फिर आने वाला हो, अगर सीरियल में भैया त्योहार की जरूरत है तो त्योहार मनाया जाएगा। और कुछ तो है तुझसे राब्ता में भी मनाया जा रहा है, वट सावित्री का त्योहार। कल्याणी का सुहाग मुसीबत में है, उसके मल्हार जी पर आ गई है बहुत बड़ी मुसीबत। अब इस मुसीबत से निकलने के लिए एक सुहागन ने अपने सुहाग के लिए वट सावित्री का व्रत रखा है। लेकिन क्या कल्याणी अपना ये वट सावित्री का व्रत पूरा कर पाएगी? अब मौसम को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि पूजा के वक्त ही आंधी तूफान भी आने लग गया। अब ये आंधी तूफान नहीं जानते हैं कि टीवी की बहू को कोई भी नहीं रोक सकता है। बात जब उसके सुहाग की हो फिर तो उसे रोकना और भी मुश्किल है। हाँ, मुझे करना है चाहे आंधी आए तूफान आए। तो कल्याणी अभी वही कर रही है मल्हार जी के लिए, मल्हार जी के लिए पूजा कर रही है वो। तो मल्हार जी के लिए पूजा है तो बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ सकती है वो अधूरी, तो बस पूजा कंटिन्यू करो। मल्हार जी मुग्धा को ढूंढने गए हैं, जिसमें मेरी आई भी मल्हार जी की हेल्प करने गई है। और मल्हार जी वहाँ मुसीबत में है, तो मेरी प्रार्थना की वजह से, मेरे व्रत की वजह से वो बच जाएंगे। इस वट सावित्री की पूजा में एक ट्विस्ट भी आने वाला है। अब जिसके जिसके पति यहाँ पर है नहीं, वो अपने पतिदेव की फोटो को देखकर पूजा करेंगे, जहाँ पर पहली बार सीरियल में पल्लवी के पति को दिखाया जाएगा। अब पल्लवी के पति के फोटो को देखकर कोई राज है जो शायद बाहर आ जाए। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।